हेवन बैक्ट अब कहता है कि लेकिन हम जो है अभी भी इसका जो है ना बहाना कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा ड्रामा कर सकते हैं या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मतलब बहुत से जो ताकतवर बटेलियन्स मतलब जो जंग लड़ने वाले हैं ना आर्मी के उन्हें जन्नत से निकाल के जो है जन्नत को खाली कर गया शैल फेल टू री गेन द लॉस ग्लोरी ऑफ हेवन बाय देयर ओन एफर्ट्स एंड लेबरियस कम्बार्ट के तो कहता है कि क्या ये लोग जो हैं ये जो फॉलन एंजल्स जो हैं क्या ये मेहनत करके या दोबारा अल्लाह को राजी करके जो है वो इस जन्नत को हासिल करना चाहेंगे एंड कंक्टर देयर प्रीवियस एंड ओरिजिनल रेजिडेंस और जो है ना हम अपनी जो असल जो हमारी रिहाइश है ना जहाँ पर हम पहले रहते थे हम उसको हासिल करेंगे आई कॉल अप एंड इन वोक हेवनली एंजल्स टू अनाउंस विदर सो फॉर एज आई ट्रबल्ड वो कहता है कि मैं तुम लोगों को दावत देता हूँ और तुमसे पूछता हूँ तुमसे सवाल करता हूँ डिवाइडेड एडवाइज और इस बाई मी बिकॉज द रीजन ऑफ आर डिट वो कहता है कि हमारे हम जो है, हमारी फत, जो विक्ट्री है ना उससे हम इनकार नहीं कर सकते मतलब वो उसको ये सारी लाइन्स जो है ना वो उसको अपनी अपनी जो उनके उसके फॉलन एंजल्स थे ना उसकी जो टीम थी उनको हौसला दिलवाने के लिए कह रहा है वो इस एक दफ़ा उनको जो इस उनके जन्नत के खो जाने का जो है अफसोस भी दिलवाता है कभी उनको कहता है कि क्या आप लोग जन्नत में वापस जाना चाहते हैं और कभी वो कहता है कि हम खुदा के खिलाफ जंग लड़ेंगे तो हर तरह से जो है ना वो अपनी आर्मी को अपनी आर्मी का ट्रस्ट जो है वो गेन करना चाहता है बट द गॉड हु रूल्स इन हेवन लेकिन कहता है खुदा जो कि जन्नत में हुकूमत करता है सिटिंग ऑन हिज थ्रोन सिटिंग ऑन थ्रोन फ्री फ्राम ऑल सॉर्ट्स ऑफ केयर्स एंड वरीज टिल दैन वो कहता है कि उसको वो जो है ना हर किस्म की फिक्र से हर किस्म की परवाह से जो है आज़ाद है आगे देखना है सिक्स फोर्टी वन से पुट फॉर्थ ऑफ एट ऑल बट स्टिल हिज स्ट्रेंथ कनक्यल्ड विच टेम्पटेड और अटैम्प्ट एंड रॉट और फॉल हेंस फोर्थ हिज माइट वी नो एंड नो आर ओन सो एज नॉट आई टू प्रोवोक और ड्रेड न्यू और प्रोवोक आर बेटर रिमेन्स To work in close design by fraud or guile, what force effected not what he now he no less, at length from us we may find who overcomes by force hath overcome by half his foe. Space may produce new words, whereof so rife, they there went a fame in heaven that he ere long intend to create in their in plot. फिर वो कहता है कि नहीं, खुदा की जो ताकत है ना वो बहुत ज़्यादा है खुदा जो है उसे किसी किस्म की परेशानी या किसी किस्म का दुख जो है नहीं होता ही सॉवरेंटी ऑटोनॉमी might have been माइट है बाई ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन कामन common according to accord to prolonged and unending exercise अब वो कहता है कि उसकी ताकत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते उसकी ताकत जो है वो यानी नाकबले बयान है his royal and imperial decorum और एग्जिबिटेड इन फुल बट ऑल वेज हिज रियल स्ट्रेंथ स्टेड हिडन गॉड सीक्रेट and एंड all of us to rebel वो कहता है कि यानी खुदा की ताकत यानी खुदा के जो राज है ना वो खुदा ही जानता है और हमने जो भी किया है ना हमें हमें उसकी वजह से हम नाफरमानी की वजह से एंड दस वी वर ड्रॉप के हमने खुदा की नाफरमानी की थी खुदा के साथ डिसोबीडियस की थी इसलिए हमें निकाला गया हमें गिराया गया बट वी आर फुली अवेयर ऑफ इज स्ट्रेंथ लेकिन हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए एंड रिकोगनाइज और ओन पावर्स टू और हमने अपनी पावर्स को अपनी ताकतों को भी जो है देखना है सो डेट आई थर वी शुड नॉट री स्टॉट वार ताकि हम दोबारा जंग का आगाज ना करें और वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ वार ना ही हमने जंग से डरना है इफ़ इट इज़ री स्टार्टड अगर ये दोबारा शुरू भी हो जाती है this uh district uh, sorry discretion uh the in दैचा इंच इन्हांसड पार्ट ऑफ करेज रिमेंस विद अस कि हमारा जो हौसला है वो कभी पस नहीं होगा डैट वी कैन प्रोग्रेस इन कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंशलिटी कि हम पूरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे हौसले के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे एंडरटेन बाई स्किल्स और स्कीमिंग वट वी फेल टू अचीव हम वो सारी स्किल्स को वो सारी महारतों को हासिल करेंगे जहाँ अब तक हासिल नहीं कर सके एंडरटेन बाय माइंड एंड स्ट्रेंथ और हम ये सब कुछ ताकत के ज़ोर पर हासिल करेंगे देयर फॉर गॉड विल रियलाइज डैट ही हु राइज अबव हिज एनिमी बाई फोर्स एंड पावर रबव हम बट पार्शल तक कहता है ताकि खुदा को जो है ना हम हमारे बारे में पता चल सके कि हम अपने दुश्मन को किस तरह से गाय मतलब से जो है साजिश के जरिए किस तरह से अपने दुश्मन को जो है नुकसान पहुँचाते हैं हम कितने ताकतवर हैं इसके बाद है ही सुजेस्ट अटैकिंग द न्यू वर्ल्ड विच गॉड प्लान्स टू बिल्ड फिर वो कहता है कि हमने जो है हम हमारा प्लान ये है कि हम खुदा जो नई दुनिया को नई वर्ल्ड को तमीर करेगा उस उस पर हमने हमला करना है उस पर जो है ना उसको नुकसान पहुँचाना है न्यू वर्ल्ड्स आर लाइकली टू बी डिवेलप फ्राम इन स्पेस इन हेवन द रिमोर्स एंड वेंट डेट गॉड प्लान टू फॉर्म अ न्यू वर्ल्ड कहता है कि यानी जब हम जन्नत में रह रहे थे ना वहाँ पर ये बातें होती थी या इस तरह की गपशप होती थी तो जिसमें यह कहा गया था कि खुदा जो है एक नई जन्नत जो है वो तमीर करने वाला है एक नई दुनिया तमीर करने वाला है और जनरेशन होम हिज चॉइस रिकॉर्ड शुड फेवर इक्वल टू द सन्स ऑफ हेवन थीथर इफ बट टू प्रॉ शैल बी और फर्स्ट यूरोपन थी और एल्सवेयर फॉर दिस इंफर्नल पीरियड शैल नेवर होल्ड डेज नॉट द अबाइज लॉन्ग अंडर डार्कनेस कवर बट दीज था फुल कॉन्सल मस्ट मेच्योर पीस इज डिस्पेयर फॉर हु कैन थिंक सबमिशन वॉर देन वॉर ओपन और मिस ओपन और अंडर टूड बी रिजॉर्ट अब इन लाइंस में क्या बात हो रही है फ्राम अ न्यू वर्ल्ड एंड लॉन्च इट अव रेस प्लान वो कह यानी खुदा ने यह प्लान किया हुआ है कि उसने एक नई दुनिया जो है वह तमीर करनी है एक नई नस्ल को एक नई कौम को जो है लॉन्च करना है होम ही वुड फेवर इवनली एज ही डिड द एंजल्स और यानी वो उसकी जो है उस तरह से हमायत करेगा उस तरह से ही बनाएगा जैसा कि उसने रिश्तों को बनाया था टू गेट और रेमेडी ऑफ हिज इन इनकनेस एंड क्यूरियसिटी वी शैल फर्स्ट डिस्टिंग्रेट इन टू न्यू वर्ल्ड वो कहता है कि यानी उसकी उसके इस प्लान को मुकम्मल होने से पहले जो है ना हम कोई जो है अपनी एक नई दुनिया जो है उसको कायम कर लेते हैं और अपने प्लान को जो है ना तैयार रखते हैं वी शैल गो देयर और सम एल्स हम वहाँ चले जाएँगे या कहीं और चले जाएँगे दिस इज़ फॉर शोर डैट हेल शैल नॉट कन्फाइंड एंड इम्प्रीजन the divine spirits. तो और कहता है कि इस ये बात तो यकीनी है कि जो जहन्नुम जो है ना वो यानी कोई कैद है और डिवाइन स्पिरिट्स के लिए है और द टमोइल एंड डिसरी शेल होल्ड दैम इन डार्कनेस और वहाँ पर अंधेरे ही अंधेरे होते हैं बट वी मस्ट शेप और स्ट्रेटी स्ट्रेटजी विथ थाटफुलनेस लेकिन वो कहता है कि हमें कोई ऐसी स्ट्रेटी बनाना होगी जो कुछ सोच समझ के इन मीटिंग अपनी मीटिंग में देर देर कैन बी नो एक्सेप्शन ऑफ़ पीस एंड हारमोनी विद गॉड कि जहाँ जहाँ पर हम खुदा की दुनिया में जो है ना कि अमन को और सुकून को ना रहने दें नॉर कैन वी थिंक ऑफ अबीडियंस गुफ्तगा ना ही हमने खुदा की फरमाबरदारी का या खुदा के साथ बख्शे खुदा से माफ़ी मांगने का सोचना है देर फॉर वी मस्ट मेकअप और माइंड ऑफ वार स्टेट और अदर वे तो कहता है कि इसलिए हमने अपने जो है ना जंग ज़, ज़, का जो माइंड है ना वो बना के रखना है चाहे हम सीधी तरह बनाएं या फिर दूसरी तरह से लेकिन जो ज़, जंग है ना हमने खुदा के साथ अपनी लड़ते रहना है आगे देखिए ही स्पेक एंड टू कंफर्म हिज वर्ड्स आउट फ्ल्यू मिलियनज ऑफ फ्लेमिंग स्वर्ड्स ड्रॉन फ्राम द थ माइटी चेरोबियम द सडन ग्लेस फॉर राउंड एल्यूमेंट हेल हाईलीज अगेंस्ट द हाइट्स एंड द फेयस विद ग्रैस आम क्लैश ऑन दियर सराउंडिंग शेयर्स इंडियन अफ वार्ड हर्लिंग डेफिस्ट टू वार्ड द वॉर्ट ऑफ हैवन अब लाइन नंबर थ्री से लेकर सिक्स सिक्सटी नाइन तक क्या कहा जा रहा है सेट इन द स्टॉक टू गेट एन अप्रूवल ऑफ हिज आइडिया एंड प्लान अब सेटन जो था वो यानी उन उसने जो अपनी स्पीच की ना अपने uh, साथियों के साथ उनसे अपने आइडिया का अपने प्लान का अप्रूवल लेना चाहता था उनकी तस्दीक करना चाहता था मिलियन ऑफ ब्लिंकिंग स्वर्ड्स बढ़ रहे तो उसके जवाब में जो थी ना करोड़ों की लाखों की तादाद में जो uh, उन्होंने अपनी तलवारें जो थी ऊपर उठाई ड्रॉन फ्राम द साइड ऑफ़ हाई एंजल जिनसे जिससे पता चल रहा था कि तमाम हाई एंजल जो हैं उसकी बात पर एग्री करते हैं द अमेजिंग रेडियंस ऑफ स्वर्ड लाइटेड अप द हेल और इनकी तलवारों की जो रोशनी थी उसने जहन्नुम को रोशन कर दिया द फॉलन एंजल्स पो फ्यूरियसली अगेंस्ट गॉड और ये तमाम फरिश्ते जो थे ये फॉलन एंजल्स जो थे वो खुदा के खिलाफ बोल पड़ उठे एंड एंग्रीली हिट दियर शीट्स विद देयर स्वर्ड्स और अपने जो उनके हाथ में एक लोहे के वो तखत से होते हैं ना उस उ, उ, उस पर उनकी उन्होंने गुस्से से उस पर जो थे अपनी तलवारें मारे प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड लाइक साउंड जिससे बहुत जैसे जंग वाली आवाज़ होती है ना वो पैदा हुई एंड फारवर्डिड अ चैलेंज डायरेक्टिंग टू वर्ड है उन्होंने जन्नत की तरफ का चैलेंज जो था वो फॉरवर्ड कर दिया खुदा तक पहुँचा दिया the building of pandomium or congress hall for the uh, uh, fallen angels, mammon, uh, Mul Mul mulch cyber is the planner. there stood a hill not far whose grisly uh, top bel uh, belched fire and rolling smoke the rest entire, shown with a glossy scruff, undoubted sign uh, that, is, uh, that in his womb was hid metallic ore, the work of sulphur, thither um, winged, avid speed. न्यूमरस ब्राइगेड हेजटेंट एज वन बैंड ऑफ पॉइंटर्स विथ स्पेड एंड पिक एक आर्म्ड फॉरेनर द रॉयल कैंप और टू ट्रैंक ऑफीड इन लाइन्स में क्या बात हुई ये रेस्ट्री डॉ दे सिचुएटेड आ हिल नॉट वेरी वेट मतलब वहाँ पे एक पहाड़ी वाक्य थी जो कि बहुत ज्यादा यानी फ्लैट बहुत ज़्यादा चुड़ाई में तो नहीं थी हुज हॉरीबल पीक जस्ट फायर एंड अट्रिंक स्मोक लेकिन उसकी जो टॉप था उसकी जो बुलंदी थी वहाँ से धुआं और आग निकल रहे थे द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हिल ग्लीम्ड लेकिन उसकी जो बाकी उसका जो हिल का जो बाकी जिसम था ना वो नॉर्मल थाइट वाजा डेफिनेट इंडिकेशन डेट इंक्लोज इन्क, इन्क, मेटेलिक सबस्टान्स तो इससे पता चलता था कि यानी ये किसी मेटेलिक सबस्टान्स मतलब आयरन की या इस तरह के सब्स्टान्स से बनी हुई है मोस्ट प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सल्फर या फिर इसमें

ये थी लाइन नंबर सिक्स सेवेंटी सेवन तक की टेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइन नंबर ना, सिक्स सेवेंटी एट से स्टार्ट करेंगे अल्लाह हाफिज़